वज़ीर-आला पंजाब का जैवलिन किंग को जबरदस्त खराज तहसीन। मरियम नवाज की मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। वज़ीर-आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी हीरो अरशद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो को ओलंपिक्स में मिलने वाला गोल्ड मेडल पहनाया। 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। कीमती गाड़ी का तोहफा भी दिया। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। वज़ीर-आला मरियम नवाज की अरशद नदीम के वालदा से मुलाकात। गले लगाया, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। अरशद नदीम की बेटी से भी गुफ्तगू की। अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। मरियम नवाज का अरशद नदीम को 92.97 गाड़ी नंबर का तोहफा। अरशद नदीम के लिए मुनफरिद नंबर प्लेट वाली गाड़ी गिफ्ट की। नंबर प्लेट पर अरशद नदीम का ओलंपिक जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड दर्ज। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी थी। गोल्ड मेडल जीतने के साथ ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी बनाया। कौमी हीरो अरशद नदीम स्टेट गेस्ट। मेहनत का सिला हो तो ऐसा, प्रोटोकॉल हो तो ऐसा। वज़ीर आज़म की दावत पर खुसूसी तैयारी में इस्लामाबाद लाया गया। वालिदा, बीवी, बच्चे और दीगर अहले खाना भी साथ आए। वफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया गया। अरशद नदीम के एहसास में वज़ीर आज़म इशाइया देंगे। शहबाज शरीफ अरशद नदीम के लिए एजाजात का ऐलान भी करेंगे। अरशद नदीम कल यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब में वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अरशद नदीम की कामयाबी से 14 अगस्त की खुशियाँ दोबाला हो गई। इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबला हो गई हैं कि अरशद नदीम ने माजी करीब में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब जो गोल्ड मेडल उनको मिला है, अल्लाह ताला ने उनके बेपाया फजल करम की वजह से और उसकी मेहनत और रियाजत की वजह से कौम को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मुमताज़ किया। हमें अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये मोहम्मद शबाजरी साहब ने यूथ फेस्टिवल करवाया था। ये पौधा समय लेके वहाँ पे लगा था। आज मैडम मरियम नवाज साहबा आई थी हमारे गांव में। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी हमें। पूरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत दी। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रगुजार करूँ उतना ही कम है। जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको जॉब दें, ये हौसला अफजाई होती है एक प्लेयर की। इंशाल्लाह हम इस मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। अरशद नदीम शानदार पज़ीराई पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगु में कहा, शहबाज शरीफ के हाथ का लगाया हुआ पौधा हूँ। मरियम नवाज का शुक्रिया जो इतनी इज्जत दी। इस कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत है। कौमी हीरो की नसरें अब आलमी रिकॉर्ड पर। कहा कि आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता था। वालिदैन और पूरे कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरकारी महकमे खिलाड़ियों की सरपरस्ती करें। गोल्ड मेडल के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बरसात जारी। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील का अरशद नदीम के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। मौलाना तारिक जमील ने अरशद नदीम का इस्तकबाल किया, गले लगाया, शाबाश दी। दोनों काफी देर तक खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। बिजली चोरी होती है वो तकरीबन एक अंदाजा है कि 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती है, और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल ईजियर सेड देन डन। इसके लिए हमें कमर कसना होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी, और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालतर होके हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। हर साल 500 अरब की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। डिस्कोस में मिसमैनेजमेंट और करप्शन का सामना है। डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर करके उनकी निजकारी करेंगे। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनीज के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का काबीना अरकान को जारहाना कारकर्दगी का मशवरा। काबीना इजलास में कहा, क्रीज से निकलकर छक्का मारेंगे तो कैप्टन समेत आपको भी क्रेडिट मिलेगा। बिजली की कीमत और पैदावारी लागत में कमी के सिवा कोई चारा नहीं। ज़रात और इंडस्ट्री को बहाल करना है। एफ बी
एनपीआर की बहाली के बगैर माली गुंजाइश निकलेगी ना कौम तरक्की कर सकेगी। गवर्नर्स को जो इस हद तक डिजिटलाइज कर सके करना चाहिए। हर वसारत को हमने पेपरलेस करना है। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी के घर अपोजिशन की बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ तहरीक, आइन की बहाली और अवामी मसाइल पर मिलकर चलने का इत्तेफाक। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक वजीर का अपोजिशन जमातों के एजाज में इशाया। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, महमूद अशकजई की शिरकत। मौलाना फजलुर्रहमान और लियाकत बलोच भी शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। सौ यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत सोलर होम सॉल्यूशन फराहम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में अपना घर अपनी छत मंसूबे के मॉडल घर की भी मंजूरी। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले के घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की कम अज़ कम पहले 3 माह महाना किस्त ना लेने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मॉडल काबीना को पेश। रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी। इंडस्ट्रीज को बराह रास्त बिजली की फराहमी के लिए पंजाब ग्रिड कंपनी के क्याम की भी मंजूरी। पासपोर्ट का हसूल मजीद आसान बनाने का फैसला। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम की समरी। काबीना को हर साल पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में पासपोर्ट फीस जमा कराई जा सकेगी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड के तर्ज पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। नई वीजा पॉलिसी का इजरा। 126 ममालिक के लिए वीजा फीस खत्म। वजीर इत्तला अताउल्ला तारड़ कहते हैं आज रात नई वीजा पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का फैसला खिलाफ कानून है, कालादम करार दिया जाए। शेख रशीद ने मीडिया के सामने बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़ेबा जुबान इस्तेमाल की थी। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी है। तहरीक इंसाफ जमात थी कब, वो तो एक टोला है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की लफ्जी गोलाबारी। शाजिया मरी ने भी फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। कहा कोई भी कानून या एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। अजहर मेशवानी के भाइयों की बासियाबी केस में तोहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। आईजी इस्लामाबाद और डीजी एफआईए भी जाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों ने रिपोर्ट में बताया दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूँगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। मेयर कराची को शहर की 6 स्कीम्स जल्द शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा सड़कें, नालियों, स्ट्रीट लाइट्स मुतालिका टाउन्स बनाएं। मलीर में कम्युनिटी सेंटर कायम करने की भी हिदायत। थर में कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। बिजली बिलों के मसले पर सिंध ने विफाक से बात कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा थर पार्कर ने पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन वक्त की अहम जरूरत है, फौरी काम होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा धरना मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे, आवाम को मायूस नहीं देख सकते। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। 40 दिन सड़कों पर ही रहेंगे। मुल्कगीर शटर डाउन के लिए ताजरों से बातचीत जारी है।
We'll be right back.